हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार पायल वत्स में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको सिखाने के लिए आई हूं कि आप माता के भजनों पर किस तरीके से ढोलक बजाएं और थपाक आपने किस तरीके से लगानी है, ढोलक से पहले आप किस तरीके से उठान लगाएं, ये सारी बातें आज मैं आपको सिखाने वाली हूं। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। तो देखिए, बहुत ही ईजी है, अभी आप देखते ही सीख जाएंगे। बस आपने किस बात का ध्यान रखना है कि मैं जिस तरीके से आपको लय बताती हूँ, लय में बिल्कुल जैसे बता रही हूँ आपने वैसे ही बजाना है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर लय को करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप ध्यान से स्टार्टिंग से ही मेरी वीडियो को देखें कि मैं किस तरीके से बजा रही हूँ। और उठा लीजिए आप अपनी ढोलक, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए आपने कैसे बजाना है। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ चाटी से कि चाटी पर आपने देखिए कैसे बजाना है। चाटी पर आप स्टार्ट करेंगे ग्रुप फिंगर। ये तीनों जो फिंगर होती हैं इनको ग्रुप बोलते हैं और ये इंडेक्स फिंगर। तो देखिए इस तरीके से हाथ हमारा चलता है जब हम इस पे बजाते हैं चाटी पर आपने इस पे इस तरीके से नहीं चलाना। देखिए आपने कैसे बजाना है, एक ही जगह पर, यहीं पर ही। जैसे आप यहाँ बजा रहे हैं तो यहीं आप सारी फिंगर्स चलाएंगे इस पूरी ताल में। देखिए आपने कैसे बजाना है, देखिए एक, यहाँ आपने बजाया एक, यहीं पर आपने फिर दोबारा बजाना है दो, और फिर यहीं पे तीन। देखिए मैं जहां पर एक जगह पे बजा रही हूँ, एक दो तीन, मतलब एक बार उठाना है, जब उठा के मारोगे दोबारा फिर यहीं बजाना है, और जब फिर उठाओगे फिर यहीं बजाना है। तो देखिए कैसे आपने बजाना है, एक दो तीन, एक, देखिए मेरा जो हाथ पड़ रहा है वो एक ही जगह पे पड़ रहा है। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। देखिए एक ही जगह पे हमारा हाथ चल रहा है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसे आपने एक ही जगह पे चलाना है। सबसे पहले आप धीरे धीरे बजाइए, एक दो तीन, एक दो तीन, और फिर आप अपनी ढोलक को देखते भी रहिए। मान लीजिए अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत है तो आप ढोलक को देखिए इस तरीके से रख लीजिए और ऐसे भी रहिए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब आपको गलत जगह हाथ नहीं चलाना है। जहां मैंने आपको बताया एक जगह, वहीं पर ही आपने हाथ चलाना है। और देखिए बेस पर आपने बजाना है, इसमें बंद बेस आपने नहीं बजाना, सिर्फ खुला बेस चलेगा इसमें। देखिए कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इतना हाथ अपने अंदर नहीं रखना है, यहाँ पर रख के बजाइए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरीके से। तो बहुत इजी है, देखिए तीन बार आपने यहाँ मैंने आपको बताया और तीन बार मैंने आपको इधर की साइड बताया है, मतलब टोटल छह मात्रा है। अब आप इसको मैचिंग किस तरीके से करेंगे वो आप समझिए। और आज मैं आपके लिए ना बहुत ही इजी सी उठान लेकर आई हूँ कि ढोलक बजाने से पहले आपने कैसे बजाना है, देखिए वो भी आपको बता देती हूँ, फिर मैचिंग बताती हूँ उस ताल की। वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। देखिए आपने कैसे बजानी है उठान, देखिए इस तरीके से देखिए आपने बजानी है। और एक छोटी सी आपको मैं थपाक बताती हूँ, देखिए आपने कैसे बजानी है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ पे आप बजाइएगा एक, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने बजाना है दो, और फिर देखिए आपने तीन चार। सबसे पहले आप इस तरीके से मारने की प्रैक्टिस करें। तो उठान मैंने आपको बता दी और थपाक भी आपको बता दी, देखिए कैसे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये थपाक थी जो हम गाने के बीच में लगाते हैं, बीच बीच में, और ये उठान मैंने आपको बता दी इस तरीके से कि एक हाथ उठाइए, एक बजाइए, बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं हम जो मैं आपको ताल बता रही थी कि आपने किस तरीके से बजानी है, अब उसकी मैचिंग आपने कैसे करनी है। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले बजाएंगे एक दो, एक दो, ठीक है, बंद बेस, बेस मैंने आपको मना करा था कि नहीं बजाना, खुला बेस। तो देखिए आपने बजाना है एक दो, और फिर आप यहाँ बजाएंगे, देखिए एक दो तीन, तीन यहाँ बजाना है, और फिर चार आप बजाएंगे यहाँ चार, और फिर आपने बजाना है देखिए पांच छह, पांच छह, देखिए एक साथ ही,
वहीं पर ही हाथ आपने मारना है, देखिए कैसे, एक दो तीन चार पंच है, एक दो तीन चार पंच है, इस तरीके से। और इसका दूसरा तरीका ये भी है, क्योंकि पुराने लोग हैं उनको पता होगा, कुछ लोग नए भी मेरे से जुड़ते हैं तो उनको दोनों तरीके की आनी चाहिए। इसको आप एक तरीके से और बजा सकते हैं, छह मात्रा में ही, देखिए आपने कैसे बजाना है यहाँ पे, एक दो ठीक है, और फिर तीन, और फिर चार, और फिर पांच छह। अब आप इसमें क्या थोड़ा सा हमने चेंज करा है, जब हम पांच छह बजा रहे हैं तो पांच यहाँ नीचे बजाएंगे, इंडेक्स फिंगर चलेगी, और छह पे ऐसे बजाना है छह। पर जो मैंने इससे पहले आपको बताई है वो कैसे बजाई बताइए आपको, पांच छह, पांच छह, बस यहाँ पर ये चेंज होता है, पांच छह पे इस तरीके से हाथ आपने चलाना है। पर दोनों को जब आप बजाते हैं ना, बहुत अलग तरीके का साउंड ढोलक में से निकल कर आता है। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से बजाएंगे, देखिए एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, इंडेक्स फिंगर अगर आप पहले चलाते हैं तो देखिए कैसा साउंड आएगा, एक दो तीन चार पांच छह, इस तरीके का साउंड आ रहा है निकलकर। पर अगर आप ग्रुप फिंगर पहले चलाते हैं पांच छह, तो देखिए वो किस तरीके से आएगा उसका साउंड। यहाँ पे आपने बजाया एक, कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह, 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 इस तरीके से आपने बजाना है। थोड़ा फास्ट बजेगा, देखिए कैसे, आप खुद देख सकते हैं दोनों में कितना फर्क है। देखिए इसका साउंड कैसे आ रहा है निकल के, और उसका अलग आता है। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। इस तरीके से आप गाना गाइए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, देखिए। आजा माँ, आजा माई के बार मेरे घर आजा माँ, मैंने मन मंदिर में मैया तेरी ज्योत जलाई, करके शेर सवारी आजा एक बारी माँ माई। आजा माँ, आजा माई के बार मेरे घर आजा माँ। देखेंगे आपके इसका जो साउंड है वो अलग तरीके का निकल कर आता है, और जब अगर हम इंडेक्स फिंगर नीचे चलाते हैं तो उसका जो आवाज है ढोलक का वो अलग तरीके का निकल कर आता है। कुछ भी अगर हम हल्का सा चेंज करते हैं ढोलक में तो अलग अलग तरीके की, इसी तरीके से आवाज हमारी ढोलक में से निकलती है। पर मायने क्या रखती है बात की, अपने लय में बजाना है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि लय अगर आपकी अच्छी रहेगी तो ढोलक में से आवाज अच्छी ही आएगी। तो देखिए कैसे, एक दो तीन चार पांच छह, इंडेक्स फिंगर अगर आप चलाते हैं तो इस तरीके से आपने बजाना है। पर अगर आप ग्रुप फिंगर पहले चलाएंगे तो देखिए वो आपने वहीं बजाना है, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच, मतलब बजानी तो छह बार ही है पर थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसी तरीके से पहले आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप जाके विजिट करिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और अच्छी अच्छी ताल बजाना सीख जाएंगे। मेरा दूसरा भी चैनल है पायल वत्स गाने के नाम से, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें भी मैं नए नए गीत गाने भजन रोज डालने की कोशिश करती हूँ, और आप इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जाइए, देखिए आपकी कितनी अच्छी ताल चलने लगेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करा करें और वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।